नमस्कार, मैं किशोर कुमार, स्वागत करता हूं आपका द राजस्थान लाइव न्यूज़ पर। द राजस्थान लाइव न्यूज़ की देसी चुनावी यात्रा के तहत आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बागोली में। प्रत्याशी किशोर एडवोकेट जतन किशोर सैनी जी, इनसे हम खास मुलाकात कर लेते हैं। क्या क्या विकास के कार्य हैं जो ये आगामी अगर सरपंच चुने जाते हैं तो आगामी 5 वर्ष में करने जा रहे हैं, और विकास के जो एजेंडे हैं, कार्य हैं जो लेकर ये मतदाताओं के पास जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं और उनको अपनी ओर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी खास मुलाकात में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बागोली से सरपंच प्रत्याशी जतन किशोर सैनी जी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर बताइए, क्या विकास के कार्य हैं जो आप लेकर जनता के पास जा रहे हो, अपनी ओर वोट करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमारी ग्राम पंचायत बागोली ये अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बाबा हीरामल जी महाराज जो हमारे गाँव के ग्राम देवता हैं, यहाँ एक ये गाँव बसा हुआ है। जहाँ मैं मुद्दे की बात करूँ और जिन बिंदुओं को लेकर मैं आम वत्तादा से वोट मांग रहा हूँ, मेरा मुख्य मुद्दा है कि हमारे गांव की करीब 7-8 हज़ार आबादी होने के बाद भी आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बैंक जैसी मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिली हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि मेरी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, साथ साथ में यहाँ बैंक की व्यवस्था भी, साथ ही यहाँ करीब हमारी ग्राम पंचायत में 1000 से अबव अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। अंबेडकर भवन बहुत पहले से मैं प्रयासरत था, मैंने कोशिश की कि यहाँ अंबेडकर भवन का निर्माण हो और यहाँ बाबा साहेब के लिए मैं कुछ करूँ, लेकिन मेरी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ अंबेडकर भवन का एक बहुत सुसज्जित तरीके से निर्माण हो, ये भी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रोज़गार के साधन नहीं हैं, तो यहाँ के हालात कुछ अलग टाइप के हैं। यहाँ पीने के लिए पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, ढाणियों में पक्के रास्ते भी नहीं हैं, कटान के रास्ते भी नहीं हैं, तो हर ढाणी को पक्के रास्ते से जोड़ा जाएगा। सब लोगों की समझाइश करके कोशिश रहेगा हर ढाणी में रास्ता हो, कोशिश रहेगी हर घर तक पीने का पानी पहुँचे, और साथ साथ में कोशिश करूँगा कि जो पात्र परिवार है, जिन लोगों को नरेगा में पिछले 5 साल में इन लोगों ने पक्षपात किया, भेदभाव किया, लोग रोजगार कार्ड लेके कार्यालय ग्राम पंचायत में जाते थे, वहाँ उन लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती थी, 22,000 रुपये हर मजदूर को सालाना मिल सकते थे, लेकिन इन लोगों ने आज तक देखा नहीं उन लोगों की तरफ। मैं चाहूँगा गाँव में जितने भी व्यक्ति जो नरेगा में काम करना चाहते हैं, उनको काम मांगने के एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं रोजगार का काम उपलब्ध करवाऊँगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी सरपंच को वो वोट दे रहा हो, मैं सब लोगों को साथ लेके चलूँगा। भले वो मुझे वोट दे के चुने या नहीं दे, लेकिन मैं सरपंच बन जाऊँगा उसके बाद में किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दूंगा। पिछले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनका सीधा सीधा आरोप हुआ करता था, भले वो नरेगा में रोजगार देने का मामला हो, नरेगा में मैट का मामला हो, मेरी ग्राम पंचायत में तो मैट के मस्ट्रोल तक खोस लिए गए क्योंकि ये हमारा आदमी नहीं है। इस तरह के इंलीगेशन हमारी ग्राम पंचायत में हुए हैं। निष्पक्ष रूप से पात्र परिवारों को रोजगार मिलेगा, पात्र परिवार जब भी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो वहाँ उन लोगों के जॉब कार्ड हम वहाँ पुटअप करके और उनको 7 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने का जिम्मा हम लेंगे। 24 घंटे ग्राम पंचायत में बैठ के हेडक्वार्टर पर काम करेंगे, हेडक्वार्टर पर हेल्पलाइन खोलेंगे। बच्चे सरपंच के साइन के लिए भटकते रहते थे। आप लोगों को मैं ये विश्वास देना चाहूँगा, इन गांव के लोगों को, अगर मैं सरपंच चुना जाता हूँ तो वहाँ बच्चों को फॉर्म भी नहीं खरीदनी पड़ेंगे, मैं हेल्पलाइन सेंटर खोल के वहीं उसी जगह ही मित्र के ऊपर उन लोगों को जाति है, मूल है, विवाह पंजीयन है, अन्य जो भी दस्तावेज होते हैं वो वहीं मौके के ऊपर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा और करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मैंने किया भी है, पहले लोगों के घर घर जाके भी मैंने काम किए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना भी पानी, रोजगार, सड़क ये होगा, और हर वार्ड में बैठेंगे और वार्ड वाइज जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सार्वजनिक रूप से वो भी करेंगे, साथ साथ में जैसे खाद्य सुरक्षा है, पात्र परिवार आज भी भटक रहे हैं, मेरी अंगुली पे हैं, बहुत से लोग हैं भटक रहे हैं बेचारे, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी सरपंच चुनने के बाद में मैं उन जो पात्र परिवार हैं जो वंचित हैं आज भी, उन सब के फार्म मेरे हाथ में लेकर उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम प्राथमिकता से करूँगा। बाकी मैं ये आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में 24-25 कौम निवास करती हैं, वाल्मीकि समाज से ब्राह्मण समाज तक हर व्यक्ति जो पात्र है उसको बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित करने का काम मैं करूँगा।
गांव में एक छोटा सा और भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, मेरे गांव के हालात कुछ अलग टाइप के हैं। गांव में बहुत सा पैसा आता है, SFC, TFC, सफाई, बहुत सा पैसा आता है, लेकिन मेरे गांव में आज नालियों की स्थिति ये है कि 5 साल से जो, जैसे हमारी मस्जिद के आसपास जहाँ होली दहन होता है, 5 साल पहले जो गंदा पानी जहाँ जिस नाली में भरा था आज वहीं है। बाकी